नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपने जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी जानकारी आप मांग रहे हैं उसका सटीक विवरण आपको पेश कर सकें। और आज हम आपको खास तौर से सोयाबीन पर विशेष जानकारी के लिए जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ में जानकारी देने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, इस समय सोयाबीन का जो सीजन चल रहा है और लोगों ने काफी हाई तोबा मचाई थी, भाव गिर गए थे और उसके बाद में भाव बढ़ने भी लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब जो अपने सीजन के भाव बताए थे 7,000-7,500 के लगभग, तो अपन उस स्तर पर कहाँ तक पहुँचे, क्या स्थिति बन रही है? नहीं, शीघ्र ही हम 15 दिसंबर तक इस लेवल पे पहुँच जाएंगे या इस लेवल को पार कर जाएंगे। चूँकि यूपी चुनाव है इसलिए सरकारी दखल तो बराबर बना ही रहेगा, लेकिन बावजूद इसके एक्चुअल में भाव सोयाबीन के 7,075 से कम नहीं बनते थे और कई लोगों को 6,500 और 6,000 में एनसीटी बोर्ड का माल भी दिलवाया, वह भी काफ़ी दुखी थे। अब धीरे धीरे उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है तथा आगे भी अब ऐसा लगता है कि सोयाबीन के बाजार कम से कम 6,500-7,000 के स्तर पे तो बने ही रहेंगे। कुछ मंडियों में भी 6,800 रुपये बनने बिकने की रिपोर्ट मिली है, तो क्या ये सही है 6,800 भी बिकी है सोयाबीन? एक्चुअल में क्या होता है कि बीज वाला क्वालिटी होती है या बढ़िया साफ क्लीन माल होता है तो माल बढ़िया दिखते हैं, वो कितना दिखता है जो बिकता है। बढ़िया माल दिखेगा तो निश्चित रूप से लेंगे इसी लोग, तो ऐसे बिकने में तो औसतन मतलब 76 रुपये भी ऊपर में बिक चुकी है। बाकी ये औसतन भाव नहीं हुए, ये एक पार्टिकुलर एक ढेर के दो ढेर के भाव होते हैं, तो अभी एवरेज भाव जो है वो 6,500 के आसपास चल रहे हैं, 6,000-6,500 के बीच में। मित्रों नमस्कार, कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में ये कहा था कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच सोयाबीन में 1,000 रुपये की तेजी व धनिया में भी लगभग 1,000 रुपये की तेजी आएगी। मित्रों जैसा कि मैंने कहा था उस हिसाब से 15 नवंबर के बाद बाजार सोयाबीन के बढ़ना भी चालू हो गए, बल्कि 15 नवंबर नहीं 13 नवंबर के बाद ही बाजार बढ़ना चालू हो गए तथा जो मंडियां 5,500-5,800 रुपये के बीच में अलग अलग मंडियों में बिक रही थी वह 6,200-6,500 रुपये में रुपये में बिकने लग गई तथा निकट भविष्य में सोयाबीन की चाल को देखते हुए लगभग 6,800-7,000 मंडियां बहुत जल्दी बिक जाए ऐसा प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था बड़े व्यापारियों प्लांट वाले इन सभी ने एकजुट होकर एक मत से यह मन बना लिया था कि सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ने देने हैं तथा इसके लिए नीचे भाव में सोयाबीन भी खरीदी
तथा नीचे भाव में तेल बेचकर मार्केट को भी कंट्रोल किया, लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियाँ धीरे धीरे चेंज हुई कि उस समय जो विश्वव्यापी तेल बाजार थे उससे भी नीचे भारत वाले तेल बेच रहे थे या तेल के भाव बाजार में दे रहे थे। सरकार ने भी अपने जो जो हथकंडे अपना सकती थी सभी हथकंडे बाजारों को लिमिट में रखने के लिए अपनाए, लेकिन किसानों ने भी मीडिया पर रिपोर्टें देख देख कर अपना माल रोक के रखा, तब बहुत धीमी स्पीड से अब जाके मंडियों में माल लाना चालू किया है। बाजार 15 दिसंबर तक 1,500 से 7,000 की रेंज में आ जाएंगे तथा यूपी चुनाव तक लगभग बाजार इसी रेंज में घूमने चाहिए। यूपी चुनाव के बाद मुझे सोयाबीन बिजवारा क्वालिटी 12,000 रुपये बिकती हुई साफ नज़र आ रही है। जिन किसानों के पास अच्छे माल हैं या अच्छे माल उन्हें मिल रहे हैं, जिन व्यापारियों के पास अच्छे माल हैं या अच्छे माल मिल रहे हैं, वह 2022 दीपावली तक वेट करें। 12,000 नहीं, मैंने पूर्व में एक वीडियो में कहा था कि सोयाबीन 15,000 बिकेगी, तो जब 12,000 बिक जाए उसके बाद 15,000 की भी बातें करेंगे, लेकिन लगभग ये आइडिया मुझे नज़र आ रहा है। इस हिसाब से अपना आगे का मनस बना के चलें। धन्यवाद मुकेश जी, और आपने हमें हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेनदेन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।